एनएस न्यूज। मिर्जापुर मझबा विधानसभा क्षेत्र के रायपुर पोखता के धोबई विद्यालय में झंडा फहराते वक्त बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि क्षेत्र के ग्राम प्रधान हरीश चंद्र शुक्ला को व विद्यालय के दो छात्रों को हल्की चोट लगने की घटना ने विद्यालय के जर्जर होने की पुष्टि कर दी है। घटना के बाद इसी विद्यालय के मझबा विधायिका सुचिस्मिता मौर्य ने पौधारोपण कर उपरांत बच्चों को देश की आजादी की शौर्य गाथा से परिचित कराया। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि राम सागर शुक्ला उर्फ बंसी ने विधायिका को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। स्वागत करने वालों में पीसी विभा बिंद, मनीष पांडे, स्कूल की प्रधानाध्यापिका वंदना सिंह, अध्यापक सुषमा सिंह, विनीत पांडे, पीडीओ नीरज दुबे, सचिव अक्षय वरनाथ यादव, एडीओ पंचायत विजय मौर्य भी मौजूद रहे। बताया गया कि विद्यालय का 1994 में तत्कालीन विधायक भगवत पाल के द्वारा उद्घाटन कराया गया था। ताज्जुब की बात यह है कि झंडा फहराते वक्त जिस विद्यालय में झंडा और डंडा व छत की दीवार ध्वजारोहण के वक्त गिर गया वह बड़ा हादसा होने से टल गया। 3 लोग जख्मी हुए। ऐसे में स्वयंसेवी संस्था और विधायिका ने इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसकी चर्चा तक नहीं की। इस समस्त घटना के बाद भी स्कूल के छात्रों में ध्वजारोहण के वक्त झंडे की सलामी की मुद्रा व पूरी अटेंशन को बनाए रखने का जज्बा भी कायम रहा। झंडे व डंडे के साथ बारजा गिरने से तुरंत बाद मौजूद लोगों ने ग्राम प्रधान की मदद से तुरंत झंडे को पुनः लहराया। मिर्जापुर से वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। सभी लोग यहाँ पर रायपुर ग्राम सभा में प्राथमिक विद्यालय पर उपस्थित हुए हैं 15 अगस्त मनाने के लिए, और बहुत ही हर्षोल्लास के संग इस विद्यालय में इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। सभी अध्यापकगण, रोटरी क्लब के सदस्य, हमारे जिला के उपाध्यक्ष महोदय और हमारे BDO महोदय, प्रधान जी और बच्चे बहुत ही हर्षोल्लास के संग आज हम सभी इस पर्व को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और वृक्षारोपण भी करने जा रहे हैं ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध और अच्छा रहे। जी, आने वाले दिनों के लिए, भविष्य के लिए हमें एक अच्छी चीज़ हम देने जा रहे हैं एक सौगात के रूप में कि हमारा जब तक पर्यावरण नहीं शुद्ध रहेगा तो हम सभी अच्छे से स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है और हम सभी इस पे बहुत ही उत्साह के संग भाग ले रहे हैं। हर बूथ पे 11-11 हम सभी जनप्रतिनिधि भी जा कर के वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं। इसमें रोटरी क्लब द्वारा बच्चों के लिए तो यहाँ पर जो सामान दिया जा रहा है रोटरी क्लब के सहयोग से दिया जा रहा है। कौन सा जो है क्या क्या दिया जा रहा है? पंखा दिया जा रहा है और बच्चों के खेलने का सामान दिया जा रहा है। हमारे यहाँ 15 अगस्त के कार्यक्रम में आज के समय में रोटरी क्लब के सभी सदस्य लोग आए थे, जिसमें हमारे सुचिस्मिता मौर्य विधायिका जी मझबा की आए थे, उसके द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है और रोटरी क्लब के द्वारा ये कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें हमारे BDO साहब भी आए थे, नीरज भी। इस कार्यक्रम में इसमें देखने को हमें ये मिला है कि एक दूसरों में यही बढ़ता जाएगा। हर्ष की बात ये है, एक दूसरे के प्रति हर्ष में ये बढ़ता जाएगा कि इसमें कितनी बड़ी सफलता कार्य है हम लोग किए हैं। विकास कार्य हो रहा है जिसमें बाउंड्री का कार्य, इंटरलॉकिंग का कार्य और शौचालय का कार्य कर रहे हैं। बच्चों को खेल का सामग्री भी बांटा जाएगा, खेल का सामग्री बांटा जाएगा जो कि विद्यालय में दिया जा रहा है। फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, गेंद है, बैडमिंटन है, 5-5 पंखा मंगाए हुए हैं विद्यालय में लगवाने के लिए जो रोटरी क्लब द्वारा दिया जा रहा है।